जोधपुर के एक छोटे से जंगल में एक ऊंट रहता था। वह ऊंट दिखने में काफी सुंदर था। वह जंगल के जानवरों के साथ बहुत बदमाशी करता था। एक बार एक लोमड़ी पानी पी रही होती है, तभी वहाँ पर बदमाश ऊंट आता है और उसे पानी में धक्का दे देता है। लोमड़ी पानी में गिरकर पूरी गीली हो जाती है और बहुत चिल्लाती है, लेकिन उस बदमाश ऊंट पर कोई असर नहीं होता है। धीरे धीरे उसकी बदमाशी बढ़ती जा रही थी। वह जहाँ भी जाता जानवरों को बहुत परेशान करता। वह ज्यादातर छोटे जानवरों को ही परेशान करता क्योंकि वो उसका कुछ नहीं कर पाते। एक बार ऊंट दो पिल्लों को देखता है और उनसे कहता है, अबे ओ कुत्तों के पिल्लों, जल्दी से यहाँ से हटो, मैं थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम करना चाहता हूँ। दोनों पिल्ले ऊंट से कहते हैं, अरे ऊंट भैया, हमें थोड़ी देर यहाँ पर खेलने दो ना, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। चुपचाप चले जाओ वरना तुम्हें मार मार के सुझा दूंगा। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझसे बहस करो। कुत्ते के पिल्ले ऊंट के डर से वहाँ से भाग जाते हैं और ऊंट को ऐसा करने पर उसे बड़ा मजा आता था। एक दिन ऊंट का दोस्त उसके पास आता है और ऊंट से कहता है, अरे ऊंटू, मेरे सुनने में आया कि तू जंगल के सभी जानवरों को बहुत परेशान करता है। देख भाई, ये बदमाशी करना छोड़ दे वरना किसी दिन बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा तू। ऊंट अपने दोस्त की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। उस जंगल में एक चूहा भी रहता था। वह चूहा गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त होता है। वो चूहा रोज गणेश जी के मंदिर में आता था और उनके दर्शन करने के बाद ही अपने दूसरे काम करता था। एक भी दिन ऐसा नहीं होता था जब वह गणेश जी के मंदिर में नहीं जाए। एक दिन की बात है, चूहा मंदिर जाने के लिए रास्ते में जा रहा था, तभी उसे रास्ते में वह बदमाश ऊंट मिल जाता है। चूहे को देखकर ऊंट को बदमाशी सूझती है। वह चूहे को डराकर कहता है, अरे चूहे, कहाँ जा रहा है? अरे ऊंट भाई, मैं गणेश जी के मंदिर जा रहा हूँ। अच्छा, गणेश जी के मंदिर? क्यों, तूने कभी गणेश जी को देखा है क्या? बेवकूफ चूहे, कोई गणेश जी वणेश जी नहीं होते है, चल जा यहाँ से। चूहा ऊंट से बहुत विनती करता है कि उसे जाने दिया जाए, लेकिन ऊंट उसकी एक नहीं सुनता है। मजबूर होकर चूहे को बिना गणेश जी के मंदिर जाए बिना ही घर वापस लौटना पड़ता है। यह सब देखकर गणेश जी को बड़ा गुस्सा आता है और गुस्से में गणेश जी ऊंट को श्राप दे देते हैं। ऊंट जब रात को सोता है और सोकर उठता है तो देखता है कि उसके पूरे शरीर पर कौड हो जाता है, उसके पूरे शरीर पर धब्बे बन जाते हैं, उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वह ठीक से चल भी नहीं पाता है। ऊंट को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो गया। वह ठीक से तालाब पर पानी भी नहीं पी पा रहा था। वह दौड़ते हुए अपने दोस्त के पास जाता है। उसका दोस्त उसे देखकर पूछता है कि उसने क्या किया था। तब ऊंट उसे चूहे वाली बताता है। उसके दोस्त को समझ आ जाता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। वह ऊंट से कहता है कि अब चूहा ही तेरी कुछ मदद कर सकता है, तो उसी से जाकर माफी मांग ले। दोस्त की बात को सुनकर ऊंट दौड़ते हुए चूहे के पास जाता है माफी मांगने के लिए। वह जाकर चूहे से कहता है, अरे चूहे, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैं बहुत परेशान हो रहा हूं, प्लीज मेरी मदद करो, मैं आज के बाद कभी बदमाशी नहीं करूंगा। ऊंट की बात को सुनकर चूहा उसे अपने गणेश जी के मंदिर ले जाता है। मंदिर जाकर वह प्रार्थना करता है कि ऊंट को माफ कर दो भगवान, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कुछ दिनों के बाद जब ऊंट सोकर उठता है तो वह देखता है कि वह पूरी तरह से ठीक हो गया है और उसके बाद से उसने बदमाशी कर जानवरों को परेशान करना भी छोड़ दिया था। तो फ्रेंड्स, कहानी की शिक्षा यह है कि किसी के भी धर्म का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना।